पुनिया और राठौड़ की इस जंग में अगर जातीय समीकरण को देखें तो पुनिया भारी पड़ रही हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में 19,33,331 वोटर हैं, जिसमें से पुनिया की जाति के जाट अकेले 4.5 लाख हैं, 2.5 लाख गुर्जर हैं, SC/ST के 4 लाख और 1.5 लाख मुस्लिम हैं, जबकि राज्यवर्धन को 2.5 लाख वैश्य, 1.5 लाख राजपूतों के अलावा 3.5 लाख ब्राह्मण और यादव वोटरों पर भरोसा है। पिछले विधानसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण के 8 में से 5 सीटें कांग्रेस ने और एक निर्दलीय ने जीती थी, जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के पास एक विधायक है। नाम भले ही जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र हो, पर जयपुर शहर का सबसे पॉश इलाका वैशाली नगर, निर्माण नगर, चित्रकूट इसी सीट में आता है, तो जयपुर शहर का सबसे बड़ा अति पिछड़ा शहरी क्षेत्र पृथ्वीराज नगर आता है, जहां लोग सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि सांसद से खुश हो न हो, वोट राष्ट्रीय मुद्दों और मोदी के नाम पर पड़ेगा। हमारे सांसद साहब ने वैसे ग्रामीण में और शहर में दोनों में अच्छा काम किया है, कुछ चीजों को छोड़ के बाकी हद तक उन्होंने अच्छा काम किया है। कृष्णा पुनिया की भी इमेज काफी अच्छी मानी जाती है, बड़ी भली मानी जाती है, अच्छी मृदुभाषी मानी जाती है, वो भी ओलंपिस्ट है, तो अब सामने आमने सामने कैंडिडेट बराबर का आ गया है। बिल्कुल बराबर आ गया हो, लेकिन कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो कल जारी किया है उसको देख के लगता है कि कांग्रेस का राजस्थान में पहले की बराबर चला जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक तो पानी की समस्या है और दूसरा सीवर लाइन की है और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन है, चौथा जो हाई टेंशन के नीचे बसे हुए लोग हैं जिनके 200-250 गज के प्लॉट हैं, आज जब नियमन हो रहा है तो उनको 40-50 गज का पट्टा मिल रहा है, वो बहुत दुखदाई है। क्या आपको लगता है कि सांसद ने कोई काम किया है यहाँ पर जिसको आप कह सकते हैं? देखिए सांसद वगैरह तो ये जब वोटिंग का टाइम आता है तभी थोड़ा सा दिखते हैं, बाकी 5 साल के लिए तो सब ये छुपन छुपे का खेल टाइप होता है, ये तभी उजागर होते हैं। कोई भी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, जनता के हित में तो देखो कोई नहीं सोच सकता। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की विडंबना यह है कि इस इलाके में शहर का सबसे पॉश कॉलोनी आता है, उसके अलावा जयपुर शहर का सबसे पिछड़ा इलाका भी आता है। पृथ्वीराज नगर का यह इलाका है जहां पर न सड़क है, पानी कैसे ही जमोड़ा रहता है, ऊपर हाई टेंशन लाइन गुजरती है, लोग बुरी तरह से यहां पर परेशान रहते हैं, आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि पिछले 30-40 सालों से ऐसे ही नरकीय जीवन जीते हैं। जब भी कहा जाता है, ऐसा कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है पृथ्वीराज नगर, जो कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में इसका एक बड़ा क्षेत्र आता है। ग्रामीण इलाके में कांग्रेस मजबूत दिख रही है, मगर यहाँ भी मोदी का असर दिख रहा है। लोग आज भी पानी सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गाँव के किसानों की बात करें तो उनका झुकाव कांग्रेस के प्रति दिख रहा है। किसान लोन माफी, खाद बीज जैसे मोदी के वादों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि यहां भी कुछ किसान मुकाबला टक्कर का मान रहे हैं। दारा तो भी क्या करेंगे, देख रहे एक हमारा गांव और सिंधरा में तो कुछ हुआ नहीं, 70 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ, बस वैसे ही चल रहा है। प्राइमरी स्कूल थी उसको बंद कर दी, प्राथमिक विद्यालय था उसको बंद कर दिया, और रास्ते वस्ते में पानी भरा हुआ है, पीने का पानी नहीं है और रोड भी कुछ नहीं है। आपने मंत्री से कई बातें सारी है? कई बार कहते हैं, सुनते ही नहीं। बजट आया था 400 ग्राम पंचायत है और 500 लाख का बजट है, तो 1 लाख बजट आया तो उसको कोटवा में लगा दिया, अब यहाँ तो पहुँचे ही नहीं हम। कितने साल हो गए मेरे को, ये कितने साल हो गए, कुछ काम भी नहीं होता है हमारे यहाँ पे, यहाँ कुछ काम भी नहीं होते हैं, जाते हैं तो होएगा, बस यही बोलते हैं होएगा, काम होएगा, होता ही नहीं है कुछ भी, क्या करें। अब ये देखो ऐसा कैसा पड़ा है, वो आगे पानी भरा है, आगे पानी जाके दे भराया, वो आगे रोड बंद हो गया, एक रोड अभी पास हुआ था वो भी बंद हो गया। भारत माता की सेवा में चलता।